सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है सभी व्लॉगर के लिए जो भी GoPro यूज़ करते हैं, और आपको कौन कौन सी बेसिक एसेसरीज यूज़ करनी चाहिए। अगर आप कोई भी नॉर्मल व्लॉगर भी हो, आप ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो, हाइकिंग ये सब नहीं करते हो, नॉर्मल भी फैमिली वीडियो या कुछ भी घर का ही कुछ भी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो आप कुछ भी, लेकिन ये एसेसरीज लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका GoPro लंबे समय तक के लिए चले और उसमें कोई भी डैमेज ना हो या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत उसकी सर्वाइवल बहुत लंबी हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी देरी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो सबसे पहली चीज़ क्या है अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? टेम्पर ग्लास, क्योंकि अगर उसका फ़ोन गिरा ऐसे तो स्क्रीन फूट जाता है और आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद। और टेम्पर गिरता है तो वो टेम्पर फूटता है लेकिन स्क्रीन नहीं फूटता है। इसी तरह GoPro में भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन ये करनी ज़रूरी है, टेम्पर ग्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेम्पर ग्लास लगाना, ताकि आप ये जो नॉर्मल डस्ट होता है उससे बचेगा, फिर उसके बाद अगर आपका गिरता है उसे क्रैक से बचेगा, फिर आपके अगर आप छूते हो तो आपके फिंगर प्रिंट्स आते हैं इसमें, तो वो सब चीज़ों से बचता है। तो चलिए सबसे पहले जो मैंने खरीदा है उसे करते हैं हम शुरुआत, टेम्पर ग्लास लगाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ये मिलता है, ये देखिए दो चीज़, Wipe 1 और Wipe 2। ये क्यों होता है ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव एक्सेस डर्ट एंड प्रोफेशनल स्क्रीन क्लीनिंग पेपर। स्क्रीन क्लीनिंग पेपर ही है और ये दो मिला है, दो देते हैं जब भी आप खरीदोगे। तो चलिए पहले वाइप को निकालते हैं और हमें यहाँ पे तीन टेम्पर ग्लास निकालने हैं। जैसे कि आप जानते होंगे दो आगे एक पीछे, तो पहले वाइप को निकाल लेते हैं। और इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको बहुत ही सेफ्टी के साथ और बहुत ही आराम से ये चीज़ करनी होगी, नहीं तो आपका ग्लास बहुत ही गलत तरीके से लग जाएगा। और कैसे अच्छे तरीके से करना है, प्रॉपर कैसे करना है, आप इस वीडियो में देखिए और आपको पता चलेगा। सो ये हमारा वाइप निकल गया, तो इस वाइप से हम पहले कर लेते हैं पीछे वाले ग्लास को पोछ लेते हैं, काफ़ी अच्छे से पोछिएगा, पूरे अच्छे तरीके से क्लीनिंग कीजिए उसकी। यहाँ पे इसकी क्लीनिंग हो चुकी है, बिल्कुल चमचम कर रहा है, और इसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पे हम करते हैं दूसरे वाइप को ओपन, Wipe 2, और इस वाइप से जो कि सूखा हुआ वाइप है इससे आप इसे पोंछ सकते हो। यहाँ पे ये हो गया और इसे देख अच्छे से रखिएगा अलग अलग, क्योंकि अगर आपको दो आगे स्क्रीन है उसे भी पोंछना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये देखिए। सो ये देखिए, ये है डस्ट एब्जॉर्बर, यहाँ पे आपको दिख सकता है ये है डस्ट एब्जॉर्बर, इसके साथ साथ है ये गाइड स्टिकर। तो ये गाइड स्टिकर क्यों यूज़ होता है ये आगे एक प्रोसेस में बताऊंगा, पहले ये डस्ट एब्जॉर्बर, तो ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन को वाइप करने के बाद, सारे डस्ट उसको निकाल लेगा। तो चलिए इसे हम भी यूज़ करते हैं और काफ़ी सेफ्टी से निकालिएगा, नहीं तो ये फट सकता है आपका। ये देखिए, तो यहाँ पे इसे हम करते हैं इसके डस्ट को रिमूव। अब बारी है मेन चीज़ की, मेन एक्टिविटी की। एक बार जब भी आप ग्लास लगा रहे हो तो पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए कि कुछ भी बिल्कुल सा भी डस्ट ना बचा हो। तो सबसे पहले इसमें ग्लास लगेगा और इस ग्लास को टेम्पर ग्लास को भी आप लगाने से पहले अच्छे तरीके से वाइप कर लीजिए। सो इसमें ये देखिए एक रहता है ब्लैक, तो ये सब हटाइएगा तभी इसका स्टिकर निकलता है। तो आप पहले इसे पोंछ, इससे भी आप वाइप कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें भी गंदगी रहती है हल्की फुल्की, और आप जब इसे आप चिपकाते हो लगाते हो तो उसमें भी गंदगी रह जाती है। इसमें भी आप अच्छे से इसे वाइप कर लीजिए, फिर डस्ट रिमूवर से आप इसे, चलिए अब ये तो काम हो गया हमारा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम पे और सबसे इम्पॉर्टेंट काम पे। हाँ, तो अब इसका काम आएगा गाइड स्टिकर का, तो गाइड स्टिकर आपको क्या काम आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले एक गाइड स्टिकर को निकाल लेते हैं और यहाँ पे इस ग्लास को हम लगाते हैं। बिल्कुल सावधानी से लगाइएगा, बहुत ही
आराम से बहुत ही सेफ्टी के साथ, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने का, क्योंकि एक बार अगर आपका गलत लगा तो वो पूरा खराब। यहाँ पे आपको दो गाइड स्टिकर मिलते हैं, तो आप दोनों दोनों से चिपका लीजिए दोनों को, और याद रखिएगा ये जो रेड वाला रहता है आपका, ओ शिट, ये देखिए रिमूव, रेड वाला जो आपका रहता है गाइड स्टिकर, बस आपका हेल्प करता है कि आप प्रॉपर आप सेट कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर सेट में हो। ये रेड वाला जो होता है वो उल्टा रहना चाहिए, ये देखिए अभी निकल रहा है क्योंकि गाइड स्टिकर शायद इसका चिपकना ख़त्म हो गया होगा। सो आप ये उल्टा रहे, और ये जब ये प्रॉपर ऐसे सेट हो जाए तो आप पीछे से गाइड स्टिकर को सॉरी रेड वाले को निकालिए, और उसके बाद गाइड स्टिकर को अच्छे तरीके से दबा दबा के इसे चिपकाइए। तो चलिए हम इसे आप करते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये स्टिकर को निकाल दिया हमने, और अब गाइड स्टिकर को आप अच्छे से ऐसे ऐसे दबा दबा के, दबा दबा के पूरे तरफ से चारों ओर से ऐसे ऐसे दबाइए ताकि वो अच्छे से चिपके, नहीं तो आपको फिर ये बर्बाद हो जाएगा। प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से इसे लगाना है। गाइड सेवर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर सेटिंग के साथ ये सेट हो गया है। ये देख सकते हैं ये हमारा फाइनली सेट हो चुका है, और ऐसा ही सेम प्रोसेस आपको आगे के दो स्क्रीन में भी करना है। और ये हमेशा याद रखिए जो मैं आपको बोला कि रेड वाला जो है, बहुत सारे लोग को लगेगा कि ऐसे आगे से निकलेगा, तो वो हमेशा पीछे रहना चाहिए, वो एक बार आप निकाल दिए वो चिपकेगा नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक गया। तो चलिए सेकेंड और थर्ड प्रोसेस जो ये दोनों ग्लासेज, उसके लिए हम सेम इसी तरीके से करते हैं। और ये जब आप लगा दो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइड स्टिकर को एकदम अच्छे अच्छे से दबा के जैसे सेट करो। चलिए हम सेकेंड ये दो को भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फिर से आप इसे पोछिए वाइपर से, और ये बहुत ही सावधानी से ये पूरा कार्य करना है, नहीं तो आपका एक भी ग्लास गया तो मतलब एक बार खराब हुआ तो खराब, क्योंकि अगर आप हाथ लगा दिए या कुछ पानी भर, मतलब कि वो एयर भर जाता है, उसमें एयर भर जाता है या फिर आपका हाथों के निशान आ जाएंगे, तो काफ़ी सेफ्टी से करना है। चलिए मैं पहले दोनों दोनों ग्लासेस को साफ कर देता हूँ। सो फाइनली ये देख सकते हैं ये मेरा तीनों ग्लास लग चुका है, आगे पीछे ये सब चीज़ का। इसमें मैंने अभी फिर से ये लगाया है गाइड स्टिकर, और ये देख सकते हैं इसमें हल्की गड़बड़ हुई तो हल्का एयर आ गया, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। गाइड स्टिकर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से चिपकाने में हेल्प करता है। पूरे अच्छे तरीके से इसे दबाइए, और इसमें आपको ये मेरा टिप दूंगा कि आप ज़्यादा उसको प्रेशर मत कीजिए, नहीं तो वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इस चलते मेरा वो जो सबसे छोटा वाला ग्लास था वो हट गया था, लेकिन मैं फिर से इसे ग्लास स्टिकर से अच्छे तरीके से चिपका रहा हूँ, दबा रहा हूँ ताकि वो स्टिक हो जाए हमेशा के लिए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, हमेशा पूरा कसकस कसकस के दबाइएगा तो वो निकल जाएगा अपने आप, तो इस चीज़ से आप बचिए। ओके, ग्लास तो हमारा लग गया, अब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये गिरेगा भी तो इसका टेम्पर फूटेगा, ये मेन ग्लास नहीं फूटेगा, और मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और मेरा गोप्रो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो आप भी इस टेम्पर ग्लास को जल्द से जल्द हो सके तो लगाइए। और कैसे, जैसे मैंने सेफ्टी से लगाया, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या करना है, एक एक चीज़ वाइप से लेके क्लिप से लगा के कैसे सेट करना है, वैसे करिएगा, नहीं तो आपका टेम्पर ग्लास खराब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड एसेसरी की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ज़रूरी है आपको हेल्प करेगी। अगर आप कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपको अब चार्ज करना है, तो आपको पूरा खोल के ऐसे बैटरी निकालना नहीं पड़ेगा, आपको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। सो देखिए, जो GoPro 10 में इसकी साइड साइड क्लिप रहती है, तो वो कुछ इस तरीके से रहती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने एसेसरीज में खरीदा वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए। सो ये पहले कुछ इस तरीके से था, सॉरी कुछ इस तरीके से था, और इसे पुश करके आप ऐसे खींचते थे तो ये खुलता था, फिर आप बैटरी निकालते थे, दूसरा सेट करते थे। लेकिन अब ये दूसरी जो मैंने लगाई है, इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे बंद करिए, और यहाँ से ऐसे बंद करिए, और आप यहाँ डायरेक्ट बिना खोले हुए इसे चार्ज कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, आपको विदाउट बैटरी निकाले आप इसे चार्ज कर सकते हैं। आपको दूसरी बैटरी लगानी है तो आप लगा सकते हो, अगर आपकी पूरी तरीके से चार्ज है, लेकिन अगर आप सेम बैटरी को कर रहे हो चार्ज, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से ऐसे इसे इसको प्रेस करोगे तो आप खुल जाएगा। तो ये रही सेकेंड एसेसरीज, अब बढ़ते हैं हम तीसरी एसेसरीज की तरफ, जो कि है ये देख सकते हैं, ये रहा प्रोटेक्टर, प्लास्टिक का है, काफ़ी अच्छा है, सॉरी प्लास्टिक सिलिकॉन का है, सॉरी प्लास्टिक का नहीं, सिलिकॉन का है, जो काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से मोड़ सकते हैं। सो ये कवर आपको क्यों हेल्प करेगा, कवर आपको क्यों लेना चाहिए? वो जो बड़ा वाला कवर होता है वो काफ़ी महंगा होता है, जो आप क्या उसको बोलते हैं, मैं नाम भी भूल चुका हूँ, जो वो कम से कम 5-6 हज़ार का आपको देगा, तो वो आपको कुछ हेल्प भी नहीं करता है। उसमें आपको अगर चार्जर
बैटरी या कुछ भी लगाना है तो पूरा आपको सेट खोलना पड़ता है तब। लेकिन इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, सिलिकॉन का है ये, बहुत ही सस्ता आपको मिलेगा, बहुत ही सस्ता, बहुत सस्ता मीन्स बहुत सस्ता। तो इसे आप क्या करोगे, अगर आपका ये जो बेस है, अगर आपका ये गिरता है किसी सॉलिड पार्ट पे तो ये टूट सकता है या किसी स्लिपरी पार्ट पे, लेकिन अगर आप इसे लगाओगे तो आपको इससे इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चलिए हम इसे सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसे। सो इसे सेट करना काफ़ी आसान है, सेट हो गया। एंड फाइनली 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 ये देख सकते हैं, ये हमारा सिलिकॉन कवर सेट हो गया है। जी हाँ, तो ये देखिए कितना छोटू सा प्यारू सा लग रहा है, कुछ भी इसमें साइज नहीं बड़ा, हल्का सा बस। ये देखिए कितना कितना और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको देखने में। देखने में नहीं, बस देखने में ये हेल्पफुल नहीं है, अच्छा आपको ऐसे काम भी करेगा। आप देखिए, आप कभी भी ये गिरेगा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए, ये चार्जिंग फंक्शन था, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं आया। ये आराम से आप सिलिकॉन कवर के बाद भी इसे चार्ज लगा सकते हैं। एंड हो गया, अभी और भी कुछ है तो चलिए बढ़ते हैं चौथी चीज की तरफ। तो ये देखिए, ये रहा, समझ गए होंगे आप, काफी सारे कैमरोज में, कैमरा में आपने देखा होगा, निकॉन एंड एवरीथिंग में आप इसे लटका सकते हो, लटकाने में आपका हेल्प होगा। सो यहाँ पे देखिए, ये इस कवर में आपको ये फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे साइड में, तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसे ऐसे ऐसे करके भी चल सकते हैं, ला 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 ला। चलिए मैं इसे लगाता हूँ फिर आप। सो फाइनली आप देख सकते हैं, ये हमारा सेट हो चुका है। ये सेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसमें से ऐसे डालिए और ऐसे आप उसके बाद आप ये देखिए ऐसे ऐसे करके घूम सकते हो और अपने हिसाब से भी सेट भी कर सकते हो जितना होल है। सो ये हमारा फाइनली सब कुछ सेट हो गया है। सो इसे देखिए, ये जो है इसे हम कहते हैं लैनियार्ड होल, लैनियार्ड होल इसे कहते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको ये साइड में है, ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये ड्रेन माइक है, ओके। ऊपर जो मैंने आपको बता दिया ये माइक, उसके बगल में ये शटर, और उसके बाद ये केस पूरा रहा सिलिकॉन का जो भी आपको बचाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्पीकर था, और फिर आप आराम से लगाइए। हमारी फाइनली सब कुछ सेट हो गया, अभी बस एक और आइटम और भी बचा हुआ है। सो अब ये देखिए, ये है लेंस कवर कैप एंड लेंस कवर, ये दो दोनों अलग है, ये एक सिलिकॉन का, ये देखिए कितना आराम से ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। और ये लेंस कवर है, ये थोड़ा हार्ड है ये देखिए, लेकिन जब मैंने खरीदा तो वो उसमें दिखाया था इट्स इट कैन ओनली बी यूज विद GoPro 9, ओके। सो आप इसको यूज़ आपको करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेंस कवर को, लेंस कवर को आप हटा सकते हो, लेंस कवर कैप आप यूज़ कर सकते हो और भी ज़्यादा सेफ्टी के लिए। क्योंकि बहुत बार मतलब आपको ऐसे भी डर सकता है कि टेम्पर के अलावा ऐसे भी फूट सकता है, क्रैक हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आप ये क्या कर सकते हो, जब भी आप GoPro यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसे लेंस कवर कैप को ऐसे लगा दो, ये देखो सेट हो गया। और ये लेंस कवर जो है, दो चीज़ था मैंने आपको बताया था, तो इस चीज़ को आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे लेकिन अपने पास रखा करो। और हाँ, ये जब आप लेंस कवर कैप लगाए हुए हो ना, तो आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती, वो पूरा काला दिखाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए। ये देखिए फुल ब्लैक, लेकिन मैं इसे हटाया लेंस शो। सो फाइनली ये सब चीज़ें थी जो मैंने खरीदी है, जो कि आपको भी खरीदनी चाहिए। इसे कहते हैं हम GoPro 360 प्रोटेक्टर, GoPro 360 प्रोटेक्टर इसके। और ये आपको मुझे सब कुछ एक ही साथ मिल गया कॉम्बिनेशन में, और अब ये मुझे कुछ भी अलग अलग नहीं खरीदना पड़ा। और अब जब भी ये खरीदते हो ना, तो आपको जो ये टेम्पर ग्लास मिला ना, उसके साथ आपको एक और सेट मिलता है, एक और पेयर ऑफ पेयर मिलता है, पूरा सब कुछ, मतलब तीनों ग्लास, वही सारे वाइपर एंड ऑल एवरीथिंग। तो इस चल देगी आपको, अगर मान लो अच्छे से सेट नहीं हो पाया तो आप इसे दूसरे दोबारे दूसरे वाले को लगा दो, या फिर आपको आगे जाके कभी क्रैक हो गया, टेम्पर ग्लास क्रैक हो गया, ग्लास क्रैक नहीं होगा, टेम्पर ग्लास क्रैक हो गया तो आप दूसरा लगा लो। और अगर आप मेरे जैसा, आपको यूज़ जैसे मैंने करने बताया वैसे आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ पे भी पीछे दिया हुआ है इसको कैसे कैसे लगाना है, लेकिन जैसे तरीके से मैंने समझाया आप वैसे ही यूज़ कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए, हमारा GoPro पूरे 360 सेफ गार्ड बन चुका है, अब इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। सो ये जो पूरा मैंने खरीदा आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा अमेजोन से, मैंने मात्र खरीदा 579 में, जिसमें था ये लेंस कवर कैप, लेंस प्रोटेक्ट, लेंस कवर कैप जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, लेंस प्रोटेक्टर
जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अगर आप तब भी खरीदना चाहते हो तो गोप्रो 9 ही वाले लोग खरीदो और बाकी लोग नहीं, क्योंकि वैसे में यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी है। उसके बाद ये सिलिकॉन कवर जिसको आप जो आपको बचाएगा टूटने से जो भी, फिर टेम्पर ग्लास के 2 सेट जो कि एक मैंने रखा हुआ है आगे कभी यूज़ होगा और एक पूरा सेट कर दिया। उसके बाद ये लैनियर होल्ड से ये लगाने का, उसके बाद इसके बाद ये साइड साइड डोर का ये चार्जिंग पॉइंट वाला जो कि नॉर्मल में नहीं रहता है, तो ये था मात्र 579 में। तो ये आप ज़रूर खरीदिए, आपको बहुत हेल्प होगा और आपका गोप्रो लंबे सर्वाइवल के लिए चलेगा, लंबे टाइम के लिए चलेगा। तो इसके साथ एक और चीज़ मैंने खरीदा, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा सैंडिक्स का मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपके पास पहले से होगा क्योंकि आप बिना उसके चल तो कैमरा चलता नहीं है, लेकिन आप एक और ले के रखिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हो और अगर आप लंबे टाइम के लिए शूटिंग कर रहे हो और करते करते आपकी मेमोरी फुल हो गई, तो आपको डाउनलोड करने में मतलब उसको ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लगेगा और ऐसे में आपकी जो आप कंटिन्यू जिस चीज़ को शूट कर रहे हो वो आपको मिस हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस चलते आप एक बैकअप रखिए। दूसरी मेमोरी कार्ड जो कि मैंने खरीदी है सैंडिस्क की, ये है 1239 की, 1239 की, और ये है 128 GB। इसकी स्पीड है अप टू 190 MBPS, और ये आप देख सकते हैं 128 GB। इसके पहले जो थी वो 64 GB की थी। तो आप ये खरीदिए और बाकी सब हो गया, यही दो चीज़ें थी। तो वो था 579 का, ये था 1239 का, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी GoPro यूज़र के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर।